Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you're watching Russell Chatter. तो गाइस आज के इस एपिसोड में WWE की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह है कमेंट सेक्शन का एपिसोड नंबर 2 जहां पर मैंने पिक किए हैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स या वो सारी चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा इस एपिसोड में आपके लिए कुछ खास भी है, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों के अलग अलग वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं, कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो यार हर कमेंट का रिप्लाई करना और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस यार प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो करो और वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। तो यार प्लीज़ आ जाओ वहाँ पर, मुझे आपका वेट है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी लोगों का वहाँ पर, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के कमेंट्स की। तो सबसे पहले एस के शकील भाई ने बोला है नाइस वीडियो, कीप इट अप। तो यार थैंक यू आपके इस कमेंट के लिए। इसके बाद जतिन भाई बोलते हैं कि रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के बीच जो स्ट्रीक ब्रेक हुई थी वो रियल थी या स्क्रिप्टेड? तो यार बड़ा मैच हो या छोटा मैच हो, सारे मैच स्क्रिप्टेड होते हैं क्योंकि है तो वो WWE का एक हिस्सा ही। तो अगर बड़ा मैच है तो ये नहीं होगा कि वो स्क्रिप्ट नहीं होगा। हालांकि कई सारे मौकों पर ऐसा होता है कि मैच की पूरी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं और उस समय ये सारी चीज़ें मैनेज करता है रेफरी। इसके बाद कमेंट है अभय भाई का, ये लिखते हैं कि हाय भाई, आई हैव सीन ऑल योर वीडियोज़, आफ्टर दैट आई कैन डेफिनेटली से दैट योर चैनल इज़ द बेस्ट WWE चैनल ऑफ इंडिया। तो यार ये इन्होंने शायद बहुत बड़ी बात बोल दी, अभी मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। इसके बाद संदीप दुबे बोलते हैं WWE का लास्ट एपिसोड कब होगा? तो यार ये शायद खुश नहीं है WWE से, ये तो अभी से लास्ट एपिसोड पर आ गए, तो अभी तो बहुत साल हैं और उसमें बहुत आगे तक जा सकती है WWE जैसा अभी उसका रिकॉर्ड चल रहा है। इसके बाद संग्राम भाई बोलते हैं वैसे तो यार मैंने बहुत से चैनल सब्सक्राइब किए हैं बट आपका चैनल सब्सक्राइब करके मैं सच में खुश हूँ। वैसे यार WWE के न्यूज़ अपडेट हिंदी में देने वाले बहुत से चैनल हैं लेकिन आपके न्यूज़ देने का तरीका मेरे को सबसे अच्छा लगता है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, रोमन रिंग्स के WWE के सब न्यूज़ अपडेट दीजिए, 1 लाइक आपको और बिग लाइक रोमन को। तो यार मेरी भी तारीफ कर रहे हैं और रोमन रिंग्स की भी, रोमन रिंग्स को शायद ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद उषा तनेजा जी बोलते हैं जब कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहता तो तुझे क्या चुला है? तो यार ने शायद ये बात पसंद नहीं है कि मैं आपके साथ WWE के अपडेट शेयर करता हूँ और इन्हें लगता है कि ये सारी मेरी चुल है। इसके बाद मोनू कुमार बोलते हैं लव योर चैनल ब्रो, यू आर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ WWE। तो यार थैंक यू ऐसे कमेंट के लिए। इसके बाद राठौड़ जी बोलते हैं कि आप रॉ और स्मैकडाउन के रिजल्ट का वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो यार मुझे लगता है कि लोग उसमें इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, तो अगर आप लोगों की ऐसी ज़्यादा डिमांड रहती है तो मैं आगे से ये भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके बाद सौम्यजीत नंदी बोलते हैं मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ, ऐसे ग्रेट चैनल को कौन सब्सक्राइब नहीं करेगा, जो नहीं करते वो पागल हैं। तो यार इनकी इस बात के लिए एक ना एक अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बाद गुलाम फरीद जी बोलते हैं ही इज़ बेटर दैन न्यूज़ एंकर्स, कीप इट अप। यार मेरा कंपैरिजन ही न्यूज़ एंकर से कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है। इसके बाद सुमन टंडन जी बोलते हैं रोहित व्हाट इज़ योर फुल नेम, आई एम योर ग्रेट फैन। तो यार अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी सारी डिटेल्स है, तो प्लीज़ यार लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए और मुझे वहाँ फॉलो करना भी मत भूलना। इसके बाद पांडे अमित जी बोलते हैं शायद इनका नाम अमित है, आई वुड लाइक टू टेल यू ब्रो आई सब्सक्राइब योर चैनल यस्टरडे एंड कंटिन्यूअसली सीइंग योर ऑल वीडियो जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू लिसन एट द एंड, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो शायद इन्हें मेरे बोलने का तरीका ये पसंद आ गया है। इसके बाद अंकित पाठक जी बोलते हैं मैं जब भी यूट्यूब ओपन करता हूँ सबसे पहले तुम्हारी वीडियो देखता हूँ। तो यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सबसे पहले यूट्यूब ओपन करके मेरी वीडियो देखते हो। इसके बाद रोहित सिंह जी पूछते हैं कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है? तो यार इंस्टाग्राम पे मेरी ये सारी बातें हैं, आप वहाँ पर ज़रूर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद राहुल पटेल सिंगर जी बोलते हैं भाई मुझे पता है WWE टोटली स्क्रिप्टेड है पर कुछ बेवकूफ़ नहीं समझते। तो यार ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ़ है, उन्हें शायद नॉलेज कम है, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर WWE स्क्रिप्टेड भी है, आगे वो जो उसमें रेसलिंग कर रहे हैं वो सब तो रियली है, तो स्क्रिप्टेड का मतलब ये नहीं कि WWE फेक है। इसके बाद गुरप्रीत भाई बोलते हैं आप हर वीडियो में पहले ओके क्यों बोलते हो? प्रकाश भाई बोलते हैं ये ओके ओके क्या है भाई, जो भी वीडियो देखता हूँ ओके ओके। तो ऐसा किसी एक दो लोगों ने नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है, पर इसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में वीडियो बनाई थी तो मैंने ये लाइन बोली थी, उसके बाद जब मुझे हर वीडियो में ये लाइन इंक्लूड करनी है तो यार मैं हर बार इस लाइन को क्यों बोलूँ? तो मैंने एक बार उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया और मैं हर वीडियो के पहले इस रिकॉर्डिंग को लगा देता हूँ जिससे मुझे बार बार बोलना ना पड़े। तो यार यही बात है बस कि मैं हर वीडियो में ओके क्यों बोलता हूँ। तो यार ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स, मुझे पता है मैंने काफ़ी सारे कमेंट नहीं लिए, तो यार आप भी समझ सकते हो कि इतने सारे कमेंट्स तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप कमेंट करते रहिए, शायद मैं अगले एपिसोड में आपको कमेंट ज़रूर ले लूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसके अलावा कमेंट भी करते रहना, और यार वो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ पर मैसेज भी कर देना क्योंकि मैं आप सभी लोगों का वहाँ पर वेट कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको WWE की हिंदी अपडेट्स मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।